बच्चों एवं शिक्षकों, बिहार सरकार ने 10वीं कक्षा एवं 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के लिए एक करियर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या दिया गया है तथा वे आगे अपने भविष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसके लिए एक खास वेबसाइट दी गई है, एक खास लॉगिन बनाया गया है, लिंक बनाया गया है और उसको देखते हुए वो चूज कर सकते हैं कि उनकी इंटरेस्ट किस में है और वो आगे क्या करना चाहते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले उन बच्चों से लॉगिन करवाना है और लॉगिन करवाने के उपरांत वो देखेंगे कि वो उसमें इसे कैसे सर्च कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग गूगल सर्च में जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे बिहार करियर पोर्टल और इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे पहला जो आता है ये देखिए बिहार करियर गाइडेंस पोर्टल, इसे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही हम लोगों के पास एक पेज खुलेगा और वह पेज जो है वो कुछ इस तरह का ओपन होगा, जिसमें कि ये बिहार सरकार का लोगो है। यहाँ बिहार करियर गाइडेंस पोर्टल में आपका स्वागत है लिखा होगा, इसमें हिंदी या इंग्लिश चुनें। यहाँ देखिए लिखा है छात्र यूनिक आईडी और पासवर्ड। इसमें करना क्या है कि जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जैसे टेंथ के होंगे तो वो टेंथ वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जो इंटर के होंगे वो अपना इंटर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे और उसके बाद उसमें जो है कि पासवर्ड डालेंगे। और इसमें चाहे तो शिक्षक भी अपना पोर्टल कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए क्या है कि वे यदि हाई स्कूल के हैं तो HS डालेंगे और उसके बाद अपना स्कूल का कोड डालेंगे और कोड डालने के बाद वहां पर लिखेंगे कि वो T1 या T2 और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही ये जो है आपका ये खुल जाएगा वेबसाइट इस तरीके से, और खुलने के बाद ये आप सीधे डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर दिखा रहा है Teacher 1 स्टूडेंट ऑफ बिहार टीचर ग्रुप। अब ये जो हमें टीचर की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन यदि यहाँ पर यदि हम बच्चों द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर डाले रहते हैं तो उस बच्चे का नाम यहाँ पे Teacher 1 की जगह पे यहाँ पे नाम शो करता, तो वो देख सकते हैं बच्चे। अब यहाँ पर देखिए कि करियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी, छात्रवृत्ति प्रतियोगिता और फेलोशिप संबंधी जानकारी। सबसे पहला इसमें देखिए कि क्या है कि आप लगभग 460 से अधिक करियर प्लान, जिसमें 6400 से अधिक कॉलेज और 1050 से अधिक परीक्षा प्रवेश परीक्षाओं के बारे में जान सकते हैं तथा इसमें 930 से अधिक छात्रवृत्तियों, किस प्रकार की जो छात्रवृत्तियां हैं वो सब देख सकते हैं। भारत और 13 देशों के 2,00,000 से भी अधिक शैक्षिक कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यह जो है बहुत ही व्यापक तौर पर बनाया गया है पोर्टल, जिसके अंतर्गत आप पूरे करियर में क्या करना चाहते हैं वो सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो ये केवल शिक्षकों के लिए नहीं, छात्रों के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और ये अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे करियर संबंधी सबसे पहले देखते हैं, तो इसे क्लिक करते हैं। तो करियर संबंधी जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें क्या दिखेगा, तो इसमें हमें दिख रहा है कि आप स्कूल जहाँ है वो कहाँ पढ़ना चाहते हैं, मतलब किस देश में। तो सबसे पहले अपना आप देश यहाँ लिख लें, तो हम लोग चूँकि इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया सेलेक्ट करते हैं। अपना राज्य इसमें सेलेक्ट कर लें, तो राज्य देखिए कि देश हमारा है बिहार, तो हम चले बिहार की तरफ। तो बिहार में जैसे ही आते हैं तो हमारा ये रहा बिहार। बिहार में भी चाहें तो हम लोग अपने शहर को देख सकते हैं, तो शहर में अभी हम लोग मान लेते हैं कि बक्सर हमारा नहीं मिल रहा है, तो BUX देखिए बक्सर आ गया, ठीक है, और इस पे चले गए। तो हम लोगों ने इसको सेट कर दिया। अब
इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि सेफ चेंजेज हिंदी के लिए, हिंदी के लिए यहाँ पर सेव कर दिए हम लोग, तो ये पूरे चेंज हमारे सेव हो गए। अब देखिए यहाँ पर से जानकारी केंद्र, जानकारी केंद्र को हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो प्रकार के करियर का चयन करना है, एक डिग्री आधारित एक डिप्लोमा आधारित। तो डिग्री आधारित तो वैसे कोर्स है जो कि रेगुलर कोर्स है, और डिप्लोमा वो है जो कि वोकेशनल कोर्स जिसको कहते हैं। तो यदि हम डिग्री आधारित कोर्स का चयन करते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या है, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, अलाइड मेडिकल साइंसेज, स्वास्थ्य और कल्याण, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर प्लानिंग, विज्ञान और गणित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कानूनी सेवा, बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स मार्केटिंग, इस तरीके से कुल 460 प्रकार के कोर्सेज दिए गए हैं। अब चलिए मान लीजिए कि हमको सबसे अच्छा लगता है क्या कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यदि हम इसको चूज करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को क्लिक करते ही ये इसके अंदर, हाँ तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसमें जैसे ही हम लोगों ने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्लिक किया तो यहाँ पर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिसिस्ट, बहुत प्रकार से इस तरह के कोर्सेज खुल गए हैं। तो किसी भी कोर्स में विज्ञान और गणित, स्वास्थ्य कल्याण, विज्ञान और गणित, बिजनेस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, कला प्रदर्शन, कानूनी सेवा, ये किसी भी है इसमें हम अपना करियर आगे शुरू कर सकते हैं। अब इसमें से भी देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि कानूनी सेवा, तो कानूनी सेवा जो कि लॉयर से कहते हैं, तो इसमें यदि हम लोग अपना प्लान करते हैं यदि लॉयर के रूप में, तो फिर यहाँ लॉयर के रूप में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन कौन से स्कूल कॉलेज आदि इत्यादि सब हैं। देखिए खुल रहा है पोर्टल। अब देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी है, क्या आप कानून के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं, क्या आप कानून में विशेषज्ञता हासिल करना प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पोक्स पर्सन बनना चाहते हैं जिन्हें मामलों की सहायता, कानूनी मामलों की ज़रूरत पड़ती है, अगर इन सब का जवाब हाँ है तो लॉयर बनने से विचार कर सकते हैं। और इसके संबंध में देखिए कि आप यहाँ पर सिविल लॉ होता है, कॉरपोरेट लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, प्रॉपर्टी एंड एस्टेट लॉ, इंटेलेक्चुअल एंड पेमेंट लॉ, टैक्स लॉ, इसमें से किस में आप जाना चाहते हैं ये तो पहले यहाँ पे डिसाइड करना होगा। इन सब के बारे में अलग अलग, आप सिविल लॉ क्या है इसके बारे में आप अलग अलग सभी को खोल के देख सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं कि आखिर ये सब क्या है। जैसे जैसे करते जाएंगे तो इसके बारे में जानकारी मिलती चली जाएगी। देखिए सिविल लॉ के बारे में पूरा है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे देखिए कि आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, करियर पाथवे क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, फिर कॉलेज छात्रवृत्ति ये सब कहाँ से मिलती है, प्रवेश परीक्षाएं कहाँ हैं, रोजगार के अवसर क्या हैं, ज़रूरी योग्यता का क्या है, इसमें कमाई कितनी हो सकती है। सबसे बड़ा तो आजकल यही है कि अर्थयुग है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कमाई है, तथा अंत में यह भी हम लोग देखना चाहेंगे कि ग्रोथ क्या है, मतलब हम आगे इसकी क्या भविष्य में संभावना है। इसमें बहुत अच्छा एक पॉइंट जोड़ा गया है कि दिव्यांग व्यक्ति के लिए, तो क्या यह दिव्यांग व्यक्ति के लिए है, तो यदि कहीं पर लिखा है दिव्यांग व्यक्ति के लिए है तो देखिए दिव्यांग व्यक्ति के लिए हल्के तौर पर शारीरिक असमर्थ जो भी होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। इतने सारे जो क्षेत्र हैं बताए गए हैं उनमें ये दिव्यांग लोगों के लिए ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल है। अब इस तरीके से हम लोग दूसरा किसी करियर को देखें तो फिर से हम लोग अपने डैशबोर्ड पे सीधे चले जा सकते हैं ये बिहार सरकार का आइकॉन को करते हुए। अब देखिए इस कॉलेज संबंधी जानकारी कि हम लोग हमारे पास क्या क्या कॉलेज है कि जहाँ पर हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपको सीधे कोई नाम पता है कि किस कॉलेज में हम पढ़ना चाहते हैं तो सीधे यहाँ पर आप सर्च बटन में क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी, PAT NA पटना यूनिवर्सिटी,
तो पटना यूनिवर्सिटी जैसे ही क्लिक किए, देखिए सबसे पहले आ गया पटना यूनिवर्सिटी। तो पटना यूनिवर्सिटी में फिर यहाँ पर है बहुत सारे कॉलेजेज हैं, पटना साइंस कॉलेज, पटना ट्रेडिंग कॉलेज, टीपी, ये सभी जो हैं वो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो पटना साइंस कॉलेज, इसको देखा जाए कि ये क्या है, तो इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा पटना साइंस कॉलेज के बारे में ही आपको दिखा देगा, उससे संबंधित। ये देखिए पटना साइंस कॉलेज का ये मुख्य बिल्डिंग है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहते हैं। यहाँ से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो बीएससी ऑनर्स होता है, इन्वायरमेंटल साइंस सेल्फ फाइनेंस भी है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और सेल्फ फाइनेंस है, अंडर ग्रेजुएट है, ये सब कोर्सेज है, जियोलॉजी यहाँ पे होता है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से होता है किया जाता है, बीएससी ऑनर्स बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस है, जूलॉजी है, स्टैटिस्टिक है, फिजिक्स है। तो आप पूरे देश में कहीं भी आप इस तरीके से इसमें यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और जहाँ वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं वो आप उसमें जा सकते हैं कि नहीं। तो किसी भी एक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके बारे में देखिए, अब जैसे ये इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें ये बताया जाता है कि 3 साल का ये कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, फुल टाइम कोर्स है। बायोटेक्नोलॉजी ये भी है, 3 साल का है, प्रोफेशनल है, फुल टाइम कोर्स है। केमिस्ट्री है, 3 साल का है, फुल टाइम है, प्रोफेशनल कोर्स है। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं वो इसके बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें वेबसाइट पर आप जाकर के क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से कि आपको सीधे पटना साइंस कॉलेज की वेबसाइट पे ये लेकर चला जाएगा और उसके बारे में पूरी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे ही हमको कोई और दिक्कत होता है तो हम सीधे ये लोगो पे क्लिक करते हैं और अपने डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ देखिए प्रवेश संबंधी जानकारी, यदि आपको किसी खास फील्ड में पता करना है कि यहाँ इस फील्ड में कौन सी जानकारी है, जैसे कि मान लीजिए कि इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे लिख दीजिए इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कहाँ से होती हैं और कब कब परीक्षाएँ हैं, तो ये प्रवेश परीक्षाएँ, जैसे कि यहाँ पर क्राइस्ट इंजीनियरिंग, रेवा सिटी इंजीनियरिंग, वेल टेक अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, जेई मेन फेज टू इंजीनियरिंग, तो बहुत बहुत प्रकार के इंजीनियरिंग के यहाँ देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये जिसके बारे में भी आपको देखना है तो किसी पर भी क्लिक करके यहाँ से आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। और वे 4 मुख्य चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे कि वो केवल परीक्षा को नहीं बताएगा बल्कि ये भी बताएगा कि वो दिव्यांग लोगों के लिए ज़रूरी है, उसके में कोई संभावना है कि नहीं है, तथा उसमें हम लोग को ये भी पता चलेगा कि उसमें ग्रोथ उसका कितना है, उसमें हम कितना कमा सकते हैं, आगे उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, और सेक प्रवेश परीक्षा कब होगी तथा उसके कॉलेजेज क्या क्या हैं, तो ये सभी जो हैं वो हम लोग इसके अंतर्गत देख सकते हैं। यदि किसी छात्र को कोई परेशानी हो तो वो कृपया मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि वो और क्या जानना चाहता है। साथ ही साथ शिक्षक भी आप मुझे बता सकते हैं कि आप कैसे लॉगिन करें तथा बच्चों को इससे कैसे अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।